पाकिस्तान से हमारा इश्क लाजवाल है और आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारे दरमियान ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के वो गयूर बहादुर भी मौजूद हैं जिन्होंने 1971 में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर अपने मुल्क की मोहब्बत में बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आपने उस वक्त अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया जब मशरकी पाकिस्तान में हमारी अफवाज इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रही थी और ये वो वक्त था जब दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। जी हाँ, खातिर हजरात वतन से बेलौस मोहब्बत के लिए इन्होंने ऐसी सोबतें, ऐसी तकलीफें, ऐसी अजियतें बर्दाश्त की जिन पर तारीख आज भी हैरान नजर आती है, मगर ये फिर भी कहते हैं कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। इनके घर जलाए गए, इन्हें जंगी कैदी बनाया गया, मगर वतन की मोहब्बत से ये एक लम्हे के लिए भी एक इंच भी पीछे नहीं हटे, डटे रहे। हमें इन पे नाज है और हमारे लिए बायस फख्र है कि इनमें से चंद आज हमारी तकरीब के खुसूसी मेहमान हैं। हाजी नसीरुद्दीन साहब, दिलशेर अंसारी साहब, अब्बास अशरफी साहब, शेख मोहम्मद मुकीम साहब, मोहम्मद अनवर साहब और रहमत अली साहब। आज पूरी कौम आपके जज्बों और अजीम कुर्बानियों को तहे दिल से सलाम पेश करती है। जी हाँ, ख्वातिन औलाद, इम्तिहान चाहे जितना कड़ा, वक्त चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने मजबूत इरादों, मिसाली इत्तेहाद और साबित कदमी से हम हर मैदान फतह करना जानते हैं। 65 के महाज की तरह आज भी